और लेखपाल के मुंशी हैं, डेंगा डेंगा कहते हैं उनको, उन्होंने काश्तकार को फोन किया कि पैसा दो तब पाउंड रिपोर्ट लगेगी। ये पहली कोई घटना नहीं है, यहाँ रोज लेखपाल के मुंशी और कानून के मुंशी यही करते हैं। इसके संबंध में हमने एक महीने पहले हमारी बार एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया था, उसमें कहा था कि आप मुंशियों को हटाइए और इन पर कंट्रोल कीजिए अपने अधिकारी को। कोई अधिकारी काम करना नहीं चाहता है, ना कोई लेखपाल। हर कोर्ट पे चले जाइए, चार चार पांच पांच मुंशी बैठे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत तेज़ है। हाँ, बहुत है, लगा तहसील में चरम पे है, कोई कानून कायदा नहीं। लेखपाल लोग आधा धूल पैसा लग रहे हैं, लफाई के नाम पर 20-30 हजार रुपया लग रहे हैं। अरे नायब हैदरगढ़ के यहाँ पांच पांच मुंशी हैं। ये दलाल अभी मैं बताऊँ, एक प्राइवेट मुंशी की मैंने शिकायत की, उसने एक वरासत के लिए 80,000 रुपए लिया। कितना? 80,000। और अभी एक मुंशी की परसों एक लेखपाल साहब का नाम ही मैं बता दूंगा उनके। और बहुत फर्जी अधिवक्ता है जिनका लाइसेंस भी नहीं है, अधिवक्ता बने यहाँ घूम रहे हैं, वो शोषण करते हैं काश्तकारों को, जाकर के वहाँ उनको लाते हैं, ठग लाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ शोषण होता है उनका। अच्छा, चलो बाकी तहसील में सबके हाथ खड़े करा दिया। किसी के द्वारा या अधिवक्ताओं द्वारा मुंशी को यहाँ से बहिष्कृत किया जा रहा है, हराया जा रहा है, उसके परिपेक्ष में उन अधिवक्ताओं के पास मुंशी बहुत लोग हैं, वो यदि हम लोगों को हटाया जाए तो उनको भी हटाया जाए, और यदि उनको नहीं हटाया जाता तो हम लोग भी ना हटाया जाए। और बहुत फर्जी अधिवक्ता है जिनका लाइसेंस भी नहीं है, अधिवक्ता बने यहाँ घूम रहे हैं, वो शोषण करते हैं काश्तकारों को, जाकर के वहाँ उनको लाते हैं, ठग लाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ शोषण होता है उनका। अच्छा, शुरू से यहाँ लगे हुए हैं और शुरू से लगे प्रशासनिक कार्य में सहयोग कर रहे हैं, पूरा लेखपालों का साथ दे रहे हैं और अन्य कार्य करवाते हैं, और उसके बाद यहाँ से कहा जाता है मुंशी लोग ना काम करें, यहाँ ना करें, तो उनके मुंशी का रखने का अधिकार है, तो हम लोग भी अपना काम करें सुचारू रूप से। कोई दलाल जो सब लोग करते नहीं है, इसमें हर मुंशी पेश दिया जाता है कि लोगों की देन है। ये भ्रष्टाचार, ये मुक्किल के घर जाते हैं, ये मुक्किलों के घर घर जाते हैं, फोन नंबर लिए रहते हैं, कहते हैं कि सुनो वकील साहब, तो तुम्हारा आर्डर करा नहीं पाएंगे, ये काम तो तुम्हारा होने वाला है नहीं, लाइए मैं साहब से मिलकर करा देता हूँ। और सुनिए, अभी मैं बताऊँ, एक प्राइवेट मुंशी की मैंने शिकायत की, उसने एक वरासत के लिए 80,000 रुपए लिया है। कितना? 80,000। और अभी एक मुंशी की परसों एक लेखपाल साहब का नाम ही मैं बता दूंगा उनके पास किया है, लेखपालों के लिखित बयान पर, बगैर नाम का वकील के, बगैर बहस के मौका दिए हुए, बगैर जीने के मौका दिए हुए, इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। अगर न्यायिक जांच किया जाए तो बहुत बहुत बड़ा न्यायिक घोटाला तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट पे पता चलेगा। अधिवक्ताओं को मुंशी रखने का अधिकार है, हमारे मुंशी सब रजिस्टर्ड हैं, और हम कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, ना हम सरकारी तनख्वाह लेते हैं, हम सरकारी तनख्वाह, हम प्राइवेट, हम जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, और जनता से जो हित के बदले जो हमें पारितोषिक मिलता है उसी में से हमने मुंशी देते हैं। मुंशी, हम कोई सरकारी वकील है क्या? सरकारी वकील को रखने का पावर नहीं है, वो प्राइवेट नहीं रख सकता, लेकिन हम लोगों को तो मुंशी रजिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए फीस जमा होती है कोर्ट में, इसके लिए कोर्ट में फीस जमा। शायद इन लोगों को मालूम नहीं, अंगूठा टेक, अनपढ़ लोग, ये इंटर पास लोग जो आए हैं, इनको शायद मालूम नहीं है कि प्राइवेट मुंशी रखने का हमारा अधिकार है, और इस अधिकार के तहत हम मुंशी रखे हुए हैं। और एक चीज और है, कोर्ट पे हमारा मुंशी नहीं जाता, कोर्ट पे पुकार होती है तो हमारा मुक्किल कहता खड़ा होके कि हम साहब हाजिर हैं और हम अपने वकील साहब को बुला रहा हूँ, और अगर वो नहीं कहता है तो हमारा जूनियर साथी कहता है कि सर इसमें हम हाजिर हैं, हमारे सीनियर हड़ताई जा रही है, उनके हम लोगों का जो वकालतनामा का प्रारूप है उस पे सबसे पहले लिखा है पंजीकरण संख्या, हम पहले पंजीकरण संख्या भरते हैं, उसमें लिखा जाता है पंजीकरण संख्या, और एक वकालतनामा पे एक अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट पर हम केवल दो अधिवक्ताओं का वकालतनामा लगा सकते हैं। अगर इसके ज्यादा के अधिवक्ताओं को इंगेज करना होता है तो हमें अधिवक्ता कल्याण निधि का टिकट बढ़ाना होता है, या हम नया वकालतनामा लेके आते हैं साथ में, तो हमारे पास नियम है, हम तो प्राइवेट लोग हैं, हमारी प्राइवेट एजेंसी, हम गवर्नमेंट की दया पर निर्भर नहीं है। हमारी एजेंसी बार काउंसिल ऑफ यूपी से हम लाइसेंस होल्डर हैं, हमको लाइसेंस देते हैं बार काउंसिल ऑफ यूपी, और बार काउंसिल ऑफ यूपी और ऑल इंडिया बार का एग्जाम पास करके लोग आते हैं तब उनको सीओपी मिलता है, और प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट जो सीओपी कहा जाता है वो इम्तहान देने के बाद मिलता है, शायद इन लोगों को नहीं मालूम है।